हेलो गाइस, जय माता दी। और आप लोग कैसे हो? और गुड मॉर्निंग। और मैं दिखाती हूँ, अपने घर में काम हो गया है थोड़ा बहुत। देखो, पुट्टी हो गई है और देखो टाइल्स, जमीन पे टाइल्स बिछ गई हैं। आप बताना कैसी लगी लगी हैं आपको टाइल्स हमारे घर की। और इनको ना हल्के कलर बहुत अच्छे लगते हैं और पेंट भी वाइट ही बोल रहे हैं, वाइट ही करेंगे। और दिखाती हूँ कमरा। कमरा तो देखो, कमरे में भी हो गया है काम, इसमें भी वाइट पेंट होगा, वाइट ही बोल रहे हैं। पता चलता है क्या होता है, इन्हें वाइट ही चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आपने देखा भी होगा रसोई में भी क्रीम कलर का के लगा रखे हैं, दराजें वगैरह जो होती हैं कवर्ड, इन्हें वाइट ही अच्छा लगा और अच्छा भी लगता है वाइट। और देखो इनकी अलमारी और इनका कंप्यूटर। अपना कमरा सेट कर लिया है क्योंकि यहाँ करते हैं काम थोड़ा सा, और थोड़ा सा काम हो जाए उसमें ही अच्छा लगता है। और देखो मिडिल क्लास फैमिली में भी जरा सा भी काम हो जाए तो मन को लगता है हाँ हमारे ये काम हो गया, क्योंकि बहुत मुश्किल से हो पाते हैं काम। 10 बार सोचना पड़ता है कि आज हमें ये काम करवाना है। और देखो मेरे पौधे, अब इनको भी सही करूंगी क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है तो मैं आती नहीं हूँ ज्यादा। और देखो फूल खिल रहा है, कितना सुंदर फूल खिल रहा है, आप देख सकते हो। मेरे पौधों की हालत हो रही है खराब और मेरी तुलसा मैया कितनी सुंदर लग रही है। और देखो सफाई करेंगे अब, होना क्या, अभी 10 दिन तो आराम से लग जाएंगे काम करने होने में। और देखो ये वाला वो पौधा कितना सुंदर लग रहा है। और देखो मैं यहाँ से सारा साफ करा दिया क्योंकि यहाँ मशीन रखी है तो थोड़े बहुत चादर वगैरह होती हैं तो धोने के लिए। इन्होंने कहा यहाँ से साफ कर दो भैया, क्योंकि काम हो जाता है बहुत, कितना भी करो थोड़ा थोड़ा बहुत काम हो जाता है, इसलिए फिर मशीन में कपड़े धुल जाए तो थोड़ा हेल्प मिल जाती है। और बताना मेरा घर कैसा लग रहा है? अभी तो ऐसा ही है, थोड़ा बहुत दिखाया है मैंने आपको। और देखो टाइल्स मेरे अच्छे लग रहे हैं ना, वाइट कलर सा ही है, बहुत सुंदर लगता है वाइट कलर। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का कलर फीके फीके ही कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं हम लोगों को। और दिखाती हूँ मैं बाहर का व्यू, आज निकल रही है धूप खूब तेज वाली और अब तो मौसम बहुत चेंज हो गया है। देखो और देखो झाड़ू पड़ी है रास्ते में, और पैर छू लेती हूँ, इन्हें रख देती हूँ अलग। तो गाइस जय माता दी। और देखो मैं अपनी रसोई में हूँ और अब पानी लेने आई हूँ, बेलर भैया आ गए रास्ते में तो फिर बोले कि पानी दे दो भाभी, और पानी दे रही हूँ उनको, ठंडा मिला के दे रही हूँ क्योंकि गर्म पानी हो जाता है आरओ का। फिर भी इतनी अभी जैसे काम करते करते इनको, इन लोगों को भी थोड़ा ठंडा सा मिक्स करके पानी दिया मैंने। और सीढ़ियों पर लगा रही थी झाड़ू में तो फिर बीच में ही आ गए, और अब लगाऊंगी मैं, देखो झाड़ू लगाऊंगी और सीढ़ियों पर हो जाती है बहुत धूल मिट्टी, इस वजह से मैंने सोचा फिर नीचे भी आता है सारा गंदा, तो मैंने सोचा लाओ आज झाड़ू लगा देती हूँ। और देखो मैंने कैमरा पकड़ रखा है, और देखो मेरे हाथ से कैमरा गिर गया और फोन गिर गया, और अब लगा लेती हूँ। अब मैंने ट्राईपॉड पे लगाया है तो अब लगाऊंगी मैं झाड़ू, इतनी गंदगी हो जाती है धूल मिट्टी, कितनी भी सफाई कर लूँ लेकिन फिर भी गंदगी हो ही जाती है। और आज दिखाऊंगी मैं आपको अपने घर का कितना काम हो गया मेरे ऊपर, दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, दिखा ही दिया है आपको पहले उसमें, और भी दिखा दूंगी थोड़ा सा क्योंकि टाइल्स वगैरह सब लग चुके हैं। और अब मैं जाऊंगी चौक में, चौक में भी देखना कितनी गंदगी है, बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। और मैंने मुंह पे लगा रखा है कपड़ा क्योंकि जैसे मुंह में जाती है मिट्टी और बाल सारे गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैंने दुपट्टा ओढ़ रखा है, इसलिए बहुत गंदगी हो जाती है। और लगा दूंगी झाड़ू, झाड़ू तो
एक बार झाड़ू लगाती हूँ, पहले कई बार तो धो भी देती हूँ, लेकिन झाड़ू लगाना भी पहले झाड़ू लगा देती हूँ तो जल्दी। और अब जा रही हूँ मैं नहाने, और नहा के करूँगी मैं। अब आ गई रसोई में। रसोई में मैंने सोचा मैं पूजा करने जाऊँगी, जब तक मेरी फूल की भुजिया हो जाएगी, उबल जाएगी, और आके मैं छौंक दूँगी। तो अब मैं वॉश कर देती हूँ मूली को, और वॉश करने के बाद मैं कुकर में डाल दूँगी और देखो मेरा उपला जल रहा है वहाँ पे, और कर लूँगी पूजा जब तक मैं आऊँगी। और देखो मूंग की दाल डाल के बनाऊँगी मैं भुजिया, और इसे देख लूँगी है नहीं इसमें, और मूंग की दाल और सब, और डाल दूँगी थोड़ा सा नमक क्योंकि। और आ गई मैं पूजा करने, और जब तक मेरी मूली की भुजिया होगी, जब उबलेगी जब तक मैं पूजा करके अपना चली जाऊँगी। और देखो मैं जला रही हूँ जोत, और देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा मंदिर। और जब तक पूजा ना करो ना तब तक मन को शांति नहीं मिलती। और मेरे तो वैसे भी नौ व्रत हैं, और मेरा रोज़ व्रत का ये पूजा का यही रहता है। और मुझे पूजा करने से सब लोगों को इतना वो मिलता है, सुकून मिलता है, पूजा हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे मुझे लगता है टीका लगाना अपने में अच्छा। और देखो मैं बंद कर रही हूँ, बंद नहीं हो रहा। और देखो मैं पढ़ूँगी चालीसा, मैं इतने सारे चालीसा पढ़ती हूँ, और इतने चालीसा पढ़ती हूँ, और लगता है ये भगवान जी ना रुट जाए इनका पढ़ लूँ, ये भगवान जी ना रुट जाए इनका पढ़ लूँ। और मैं चालीसा पढ़ती हूँ बहुत सारे, मुझे पौन घंटा लग जाता है पूजा करने में। और अब चढ़ा लूँगी लौंग भगवान जी के, और नवदुर्गा में तो आपको पता है लौंग जब। लौंग चढ़ाई जाती हैं, और लौंग चढ़ाई जाती है आपको पता है। और मैं लगा 30 किलो की, और देखो मेरी हो गई पूजा। और देखो अब मैं आ गई बाहर, क्योंकि मैं बाहर बालों को झाड़ूंगी, अंदर झाड़ूंगी तो टाइल्स पे बहुत सारे बाल आ जाते हैं, और पोछा लगाने में ना बड़ा अजीब सा लगता है, इस वजह से मैंने अब बाहरी बाल झाड़ लूँगी। और झाड़ना ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत मुश्किल से ही वो उबल पाते हैं। और देखो मेरी मूली उबल चुकी है, मूली की भुजिया, और मैं निकाल लूँगी इसमें छलनी में, और इसको निकालने के बाद मैं और थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, गर्म है, पानी डाल लूँगी इसमें। और अब देखो इससे ना पानी निकाल के और मैं निचोड़ लूँगी। कौन कौन बनाता है बताना ऐसे भुजिया, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और मूली की भुजिया किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं नहीं खा पा रही। हमारे यहाँ 2 बार बन गई लेकिन मैं मूली की भुजिया नहीं खा पाई। अब डाल दूँगी घी, और वही बेसिक मसाले हैं, हल्दी है, मिर्च है, और जीरा डाल दूँगी हाँ, और ये बेसिक मसाले हैं। जीरा चटक गया मेरा देखो, और डाल दूँगी हल्दी और मिर्च मैं बाद में डालती हूँ क्योंकि घर में भसूसी हो जाती है सारे में, और बच्चे भी इसे खांसने लगते हैं, छीनने लगते हैं, इस वजह से मैं लास्ट में ही डालती हूँ। और इसमें पहले से नमक पड़ा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा ही नमक डालूँगी मैं, और ज़्यादा नहीं डालूँगी। और देखो डाल देती हूँ मैं नमक, थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि पहले से पड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से कम ही डालूंगी। और देखो देखो हम लोग हाउस वाइफ होती हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं हम लोग, हम मिडिल क्लास फैमिली, हमारे घर में जरा भी काम हो जाए हम खुश हो जाते हैं। और देखो अब मेरे ऊपर का काम थोड़ा फिनिश हो गया है, और आप देखना, और मैंने आपको दिखाया है थोड़ा सा कितना काम हुआ है हमारे यहाँ, अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन हो रहा है काम थोड़ा सा। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, वैसे ही थोड़ा सा भी काम हो जाए तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और एक एक पैसा जोड़ के हम लोग सोचते हैं हम ये भी कर लें वो भी कर लें। और देखो मैं दिखाऊंगी आज मैं अपना काम थोड़ा सा, और
और आप बताना कैसा लगा मेरा घर, थोड़ा सा काम हुआ है उसमें। और अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। जय माता दी।